आज मैं बनाने जा रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज की बहुत ही आसान और टेस्टी सब्जी। मेरे आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ये मैंने 250 ग्राम शिमला मिर्च और 250 ग्राम प्याज को क्यूब्स में काट लिया है। अब सब्जियों को गरम तेल में डाल देंगे। सब्जियों को हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। ऐसा करने से इन सब्जियों में क्रंचीपन बना रहता है। 3 से 4 मिनट के बाद सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी तेल में हम आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरे की तड़कते ही इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। प्याज को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम एक मिर्च और 5 से 7 लहसुन की कलियों को क्रश करके डाल देंगे। मिर्च और लहसुन को भी प्याज के साथ पका लेंगे। हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसालों को ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, कलर के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब मसालों को एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें 4 टमाटरों की प्यूरी को डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें कटे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले नीचे ना लगे। अब इसमें ढक्कन लगाकर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक मसाले अपना तेल नहीं छोड़ देते और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं और इन्होंने अपना तेल भी छोड़ दिया है। अब पके हुए मसालों में हम फ्राई की हुई सब्जियों को डाल देंगे और अच्छे से एक बार मिला लेंगे। आप इसे मिलाने के बाद ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट के लिए और पका लें। 4 से 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी बनकर तैयार है। लास्ट में इसे थोड़े से धनिये से गार्निश करेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।